बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो ये कह दें कि व्हाट्सएप उनके लाइफ का ज़रूरी हिस्सा नहीं है, और इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए व्हाट्सएप नए नए फीचर लेके आता है। और अब बहुत जल्द हम सबके फ़ोन में व्हाट्सएप में एक इंटरेस्टिंग फीचर आने वाला है। इस फीचर का नाम है स्टिकर्स। हेलो दोस्तों, मैं आफरीन बताऊंगी कि कैसे काम करता है व्हाट्सएप का नया स्टिकर फीचर। इसके लिए सबसे पहले अपना व्हाट्सएप ओपन करें, कोई भी चैट खोलें, जहां पे आप पहले आप इमोजी सेलेक्ट करते थे, आप वहीं पर जाएं। पहले हमें इमोजी दिखता था, यहाँ पे GIF दिखता था, और अब आपको तीसरा ऑप्शन भी दिखाई देगा। जो तीसरा ऑप्शन है वही स्टिकर्स का ऑप्शन है, और अब आप देख सकते हैं आपके सामने कई सारे स्टिकर्स आ गए। तो यहाँ से आप जो भी भेजेंगे तो देखिए दिखने में कितना कूल लग रहा है। अब मैं कोई दूसरा स्टिकर सेलेक्ट करती हूँ, तो आप इसी तरह से कई सारे स्टिकर्स भेज सकते हैं। मैं बता दूं, इसमें अभी ज़्यादा स्टिकर इन्होंने नहीं दिए हैं, लेकिन एक स्टिकर पैक भी मौजूद है। जो आप ये प्लस का साइन देख रहे हैं, यहाँ से आप ये एक माय स्टिकर का ऑप्शन है और एक ऑल स्टिकर्स का ऑप्शन है। माय स्टिकर्स में जो भी स्टिकर्स आपके पास ऑलरेडी हैं वो यहाँ पे, और ऑल स्टिकर्स यहाँ से आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं, ये आपने अगर आपने मैसेंजर यूज़ किया होगा तो आप इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि जो भी हमें डाउनलोड करना होता है हमें उसके लिए ऐड करना पड़ता है। जैसे मैं चाहती हूँ कि ये वाला स्टिकर भी मिल जाए, तो मैं इसे यहाँ से डाउनलोड कर लूँगी। उसके बाद जब मुझे वहाँ पे चाहिए होगा तो देखिए आप, इसमें तीसरा स्टिकर का पूरा कलेक्शन आ गया, तो अब मैं इसे भी यूज़ कर सकती हूँ। मैं बता दूँ कि फ़िलहाल ये बीटा वर्जन में ही है, अभी सबके लिए ये फीचर रोल आउट नहीं किया गया, और ये व्हाट्सएप ने कहा है कि बहुत जल्द ये सारे एंड्रॉयड वर्जन्स में भी आ जाएगा। तो मैं बीटा टेस्टर हूँ, इसलिए मेरे पास ये फीचर सबसे पहले आ गया, और बहुत जल्द ये आपके फ़ोन में भी रोल आउट हो जाएगा। फिर मिलूंगी नई ट्रिक के साथ।